कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से न्यायालय में लगाए गए स्थगन आदेश के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा रन किए जा रहे कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में दावा किया गया है कि जिस स्थान पर महालेखाकार कार्यालय के सामने से सिटी सेंटर इलाके को जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज बना है वह जमीन ट्रस्ट की है और यह जमीन सरकार ने अपने उपयोग में ले ली है, इसलिए सरकार करीब 7 करोड़ रुपये का मुआवजा ट्रस्ट को अदा करे। यह मामला कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है और दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट से स्थगन मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए कमला राजा चैरिटेबल ट्रस्ट का आवेदन खारिज कर दिया कि यह जमीन सरकारी है जिस पर महालेखाकार और सिटी सेंटर क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल बना हुआ है और यह जनहित के काम में आ रहा है। ऐसे में लोक उपयोगी AG ऑफिस पुल के मामले में ट्रस्ट को कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है और यह जमीन सरकारी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा था, वहाँ से इसे पुनः सुनवाई के लिए वापस जिला एवं सत्र न्यायालय कॉलेज भेजा गया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा एवं जगदीश साकीवा ने बताया कि सिटी सेंटर क्षेत्र के तहसीलदार ने इस भूमि के सरकारी होने के संबंध में सन 1950 के कई दस्तावेज पेश किए हैं, इसलिए ट्रस्ट का कोई मुआवजा संबंधी आवेदन भी विचार योग्य नहीं है। फिलहाल कोर्ट के द्वारा स्टे आवेदन को निरस्त करने से कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है। जी क्या कुछ मामला था, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन आए हैं और क्या कुछ कहा गया था, किस तरह की? ये जो झांसी रोड पर AG ऑफिस पुल बना हुआ है, ये सिंधिया जी ने इसके लिए एक दावा पेश किया था कि ये ज़मीन हमारी है और उसको उसमें उन्होंने 7 करोड़ रुपए का मुआवजा शासन से मांगा था। उनका जो आज आवेदन लगा हुआ था जिस पर कि अस्थायी रूप से निषेधाज्ञा मांगी थी उन्होंने, स्टे की गुहार लगाई थी माननीय न्यायालय से, तो हमारी तरफ से शासन की ओर से पक्ष रखा गया उसमें कि ये पुल जनता की आम जनता के हितार्थ है और इसमें कि ये लगभग 50 साल से बना हुआ है और ये ज़मीन पूरी शासकीय है, इसमें किसी भी प्रकार का सिंधिया जी का ना तो अभी आधिपत्य है ना ही उनकी कोई अभी रक्षा उसमें है, कस्टडी में है, इसलिए इनको किसी भी प्रकार का स्टे दिया जाता है तो उस पर आम जनता के हितों में प्रभाव पड़ेगा और आवागमन में अवरूपता पैदा होगी। क्यों मांगा था स्टे, क्या वजह? इनका कहना यह है कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और इसका मुआवजा मांगा है इन्होंने और जो कुछ ज़मीन बची है उस पर स्टे मांगना चाहा था, तो न्यायालय ने उनके आज आवेदन निरस्त कर दिया है यह कहते हुए कि ये लोक हित के संबंधित मामला है और ये ज़मीन शासकीय है दस्तावेजों में, इसलिए आपको स्टे नहीं दिया जाएगा।